मेरा नाम है डॉक्टर पूजा ठक्कर और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों को गले में कफ हरदम बना रहता है, निकलता है थोड़ा थोड़ा लेकिन फिर भी आपके गले में हरदम जो है बना रहता है, और यह समस्या लोगों में बहुत ही कॉमन हो गई है, और जिनकी एज जैसे ज़्यादा होती है, 65+ होती है, तो उनको तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि भी ये कम उम्र में भी लोगों में शुरू हो रही है, कम में तो होती है और ज़्यादा में भी होती है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कि भी ये हमें जो कफ की प्रॉब्लम है ये क्यों होती है, इसकी क्या वजह होती है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, साथ साथ मेरे साथ बनी रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, गले में कफ हमेशा बना रहना, गले में खरखराहट होनी, हर टाइम कफ हमारे गले में बना रहना, और कईयों को तो ऐसा होता है कि दिन में कम और शाम को ज़्यादा, तो कईयों को होता है शाम को कम और दिन को ज़्यादा, मतलब दिक्कत अलग अलग होती है। और अस्थमा जिनको होता है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये किस वजह से होता है, जैसे किसी को इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, लॉन्ग टाइम से परेशान हो रहे हैं वो अपनी बीमारी से, तो कफ जो है गले में बना रहा। सिम्टम्स क्या होते हैं दोस्तों इसके, जैसे कि किसी को ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम होती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको हर टाइम उनको कफ बना रहता है, उनसे बात नहीं की जाती, खरखराहट होती है गले में। जिनकी एज 50 से ऊपर है उनको ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, सांस नहीं ली जाती और हर टाइम गले में कफ बना रहता है, थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, और वो लोग इतने परेशान हो जाते हैं, सारी मेडिसिन ट्राई कर लेते हैं, आराम तो मिलता है लेकिन फिर वही का वही हो जाता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन हैं जिनको लेने से आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता दोस्तों। अगर आप इस मेडिसिन को छोड़ भी देंगे तो भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है एकोनाइट 200, जो कि कफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और सेकंड मेडिसिन आती है हमारी स्पोंजिया टोस्टा, जो कि 200 की पोटेंसी में, इसमें खराश, जैसे गले में खराश बनी रहती है, कफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, हर दम आपके गले में कफ बना रहता है तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद आती है हमारी हिपरसेल्फ 200, ये भी कफ को ठीक करती है, हर दम आपके गले में जो कफ बना रहता है उसको ठीक करती है। अब आपको देखना है कि भी एकोनाइट 200 की और स्पोंजिया 200 और हिपरसेल्फ 200, इन तीनों को आपने मिलाना है, मतलब एक हम खाली फाइल ले लेंगे और हमें इन तीनों दवाइयों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाना है। और उसके बाद हमने इसकी टू ड्रॉप्स लेनी है आपने मॉर्निंग में, 2 ड्रॉप्स लेनी है आपने इवनिंग में। तो इससे जैसे आपके जो हर टाइम जो कफ आपके गले में बना रहता है, जो धीरे धीरे निकलता है, वो भी ठीक होगा, और जो आपको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, हर टाइम एलर्जी होती है, छींकें आती हैं बार बार, और कोल्ड बना रहता है आपके नाक में, क्योंकि साइनस से जो हड्डी जो बढ़ जाती है उसकी वजह से साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो उसको भी कम करने में मदद करता है, और जो कोल्ड, जिसे कोल्ड लग हो जाता है उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। और ये आपने कम से कम नहीं तो 10 से 12 दिन आपने लगातार लेना है। और अगर जिनको दिक्कत ज़्यादा होती है तो वो 200 की पोटेंसी मिलेंगे, और जिनको दिक्कत कम है, जैसे कभी कभी होती है, जैसे कि हफ्ते में 5-6 दिन रही फिर ठीक हो गई, तो वो तो 30 की पोटेंसी मिलेंगे, और जिनको दिक्कत ज़्यादा है तो वो 200 की पोटेंसी मिले, तो इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको ये मेडिसिन कुछ टाइम तक लेनी होगी, मतलब 3 से 4 मंथ्स तक कॉन्टीन्यूसली अपने बिना ब्रेक के ये मेडिसिन आपने लेनी है, तो इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताई 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन, अब उसके बाद आता है 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन जो कि बायो कॉम्बिनेशन है। हमारी फर्स्ट मेडिसिन आती है कालीम्योर 6X, जो कि कफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और सेकंड आती है हमारी सेलेशिया 12X, जो कि इन्फेक्शन को ठीक करती है, जो आपके हर दिन कफ बना रहता है गले के अंदर, ये उसको ठीक करती है।
तो दोस्तों आपने इसको बनाना कैसे है, आपने खाली डिब्बा लेना है और उसमें काली मिर्च 6x डालनी है और सलेशिया 12x डालनी है। दोनों को मिक्स कर लेंगे आप और अच्छे से हिला लेंगे। तो आपने उसकी 6-6 गोली लेनी है और दिन में 4 बार लेंगे, सुबह दोपहर शाम रात, दिन में 4 बार आप लेंगे तो इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। और जैसे जिनको क्रॉनिक केसेस होते हैं, लॉन्ग टाइम से लोग परेशान होते हैं कफ के लिए, हर टाइम कफ बना रहता है, धीरे धीरे निकलता रहता है, बहुत परेशान होती हैं, गले में दर्द भी होती है, खान पीने में भी दिक्कत होती है, खाने का भी मन नहीं करता, जो खाते हैं वो वॉमिट हो जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन आपने कॉन्टीन्यूसली लेना है 15 डेज़, तो आपने कॉन्टीन्यूसली लेना है। आप देखेंगे कि भी आपको कुछ कुछ फ़र्क नज़र आने लगा है। उसके बाद आपने इसको छोड़ना नहीं है, मिनिमम 6 मंथ्स तक आपने इस मेडिसिन को कॉन्टीन्यूसली लेना है विदाउट एनी ब्रेक। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और इसके कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपकी जो कफ की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी और ये कफ की प्रॉब्लम दोबारा आपको नहीं होगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।